नमस्कार वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंस्टेंट लड्डू हेल्दी और टेस्टी बनाना बताऊंगी, जिसमें ना मावा डालेंगे ना दूध और ना ही हम घी डालेंगे। तो ये मैंने चार आधी कटोरी भर के ये रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं और ये नारियल का बुरादा है और ये 2 चम्मच हमने गुड़ लिया है, इसको कद्दूकस कर लिया है। अब पहले इसको दरदरा पीस लेंगे मूंगफली के दाने को। अभी हमने इसको दरदरा पीस लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा दूध वाला मसाला लिया है। इसमें सब कुछ है, इलायची भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, केसर भी है, बादाम भी है, और ये अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये लड्डू बनाना बहुत आसान है और आप जब भी चाहें ऐसे हेल्दी लड्डू बनाना चाहें तो आप कभी भी बना सकते हैं और ये जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अगर गुड़ कम लगेगा तो थोड़ा सा और डालूंगी, पहले मिला के देख लेती हूँ। गुड़ हमारा ठीक है पर ये थोड़े बिखरे बिखरे हैं तो ये लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे लड्डू अच्छे बन जाएंगे। आप चाहे तो इसमें मावा मिला सकते हैं और घी में गुड़ करके और वो भी डाल सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिला लिया है और ये देखिए अब कितने अच्छे से हमारे लड्डू बन रहे हैं। तो अगर इंस्टेंट लड्डू आपको, अगर घी नहीं खाना, मावा नहीं खाना, तो इस तरह से आप हेल्दी लड्डू बना सकते हैं और हेल्दी के साथ ये टेस्टी भी लगते हैं, जल्दी बन जाते हैं। इस गणेश चतुर्थी पे आप ये लड्डू भगवान को भोग लगा सकते हैं। ऐसे हम सारे लड्डू को बांध लेंगे। हमने 4 लड्डू बांधे हमारे, ये 4 को हमने बांध लिए हैं। अब आप इसमें टोने में भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। अब मैं इसको आपको एक तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और यदि आपसे नहीं बन रहा, आपको लग रहा है कि और थोड़ा सूखा मसाला है, तो थोड़ा सा दूध और आप इसमें डाल सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।